हेलो एवरीवन, मैं बात करने वाला हूँ डेल्टा की VFD की प्रोग्रामिंग और ट्रबल शूटिंग फॉल्ट फाउंडिंग के बारे में, जितने भी एरर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है incashsales1@gmail.com। और मैं आपको VFD के जितने भी VFDs हैं उनके सबके एरर फॉल्ट फाउंडिंग और ट्रबल शूटिंग की वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। ठीक है, और मैंने एक बहुत अच्छी बुक का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस बुक को परचेज करके आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और VFDs को सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी हुई है। हम बात करेंगे डेल्टा की VFD का एक एरर है FAN करके। ठीक है, फैन फेलियर। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअल में VFD में ना अंदर एक फ़ैन होता है जो VFD के जो कार्ड्स हैं उनको उनको कूलिंग देता है, उनको ठंडा रखता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जब भी वो रन कर रहा होता है तो वहाँ से एक हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से अगर ओवर हीट हो जाता है तो वो बर्नड हो जाता है या फेल हो जाता है। ठीक है, सिस्टम। तो इसको VFD को मतलब अंदर टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए क्या करते हैं, एक फ़ैन लगा के रखते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि फ़ैन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा, मेक श्योर दैट फैन इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड और रिटर्न टू द फैक्ट्री। अच्छा, तो आपको ये देखना है कि फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो आपको क्या करना है, सपोज दैट अगर चल रहा है फ़ैन और फिर भी ये आ रहा है तो आपको क्या करना है, VFD में ना अंदर डस्ट जमा हो गया, आप ब्लोअर मार लो, आप काफ़ी अच्छे से इसको क्लीन कर लो अंदर से। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो फ़ैन की जो कूलिंग है वो कार्ड्स पे नहीं जा पा रही है, तो ज़्यादा डस्ट की वजह से ब्लोअर मार लेंगे तो ये अंदर से क्लीन हो जाएगा, प्रॉपर जाने लगेगा। और अगर फ़ैन नहीं चल रहा है तो उस केस में अगर आप उसको ओपन करके देख सकते हो तो उसमें ना जो जंपर होते हैं, वायर जंपर, ठीक है, मतलब जो फैन से निकल के तो वायर गई हैं, तो वो जंपर ब्रेक हो सकते हैं, वायर कहीं पे बीच में कट हो सकती है। अगर वायर कट हो रही है तो आप उसको लूप लगा लो, अगर वायर कट नहीं है तो मे बी हो सकता है कनेक्टर जो है वो कनेक्टर ख़राब हो गया होगा। अगर कनेक्टर भी ख़राब नहीं है तो आपको ये देखना है आपका फ़ैन प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं है। अगर आपको फ़ैन काम ही नहीं कर रहा है तो आपको ये करना है कि आप ना लोकल फ़ैन मार्केट से परचेज कर सकते हैं, लोकल भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोकल फ़ैन लेके मार्केट से लगा के चेंज करके देख सकते हैं, या फिर फ़ैन पे जो आउटपुट वोल्टेज आ रही है 24 वोल्ट, जो कनेक्टर है फ़ैन का जो कनेक्टर है उस पर चेक कर लेने कि वहाँ पर 24 वोल्ट DC आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आ रही है तो ठीक है, आप मार्केट से लोकल फ़ैन परचेज करके उसको आप लगा सकते हैं। और अगर वहाँ पर वोल्टेज ही नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस केस में आपको इसको रिपेयर कराने के लिए भेजना पड़ेगा, बिना रिपेयर किए तब ये चलेगी नहीं। ठीक है, तो अगर आपके VFD में ये वाला एरर है तो आपको आपका ये ऐसे ही सॉल्व हो सकता है।